तो अभी हमारे सामने बाबा जी हैं और मैं आपसे बाबा जी से मिला देता हूँ और कुछ इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये बाबा जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, जो कि इस समय मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, ये जो देवरा बाबा मंदिर है, कितना साल पुराना है? बाबा के बारे में पूछो, बाबा का जीवनी पूछो, जी बाबा जी का। बाबा 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 के बारे में जो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को आप दे देते हैं। 200-300 वर्ष लगभग, 200 वर्ष तो लगभग अदृश्य अवस्था में गोपनीय ढंग से वास किए। जी 100-150 तक जनता यहाँ प्रत्यक्ष में इनकी दर्शन की, जी और देवार में रहने के चलते देवरहवा के नाम से जाने जाते हैं। जी तथा राम जी की इच्छा से इसी भूमि पर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा जी, जवाहर जी, मोतीलाल और आपके जॉर्ज पंचम वगैरह, मालवीय जी, धर्म सम्राट कर्पात्री जी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि, अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, रामचंद्र परमहंस आदि हस्तियाँ सब इसी पावन भूमि पर महाराज जी के दर्शन में आती थी। महाराज जी की आओ की कोई सीमा नहीं है। महाराज जी बोलते थे, बच्चा मेरी शोलीन अवस्था है, मेरा जल से प्राकट हुआ है। जी और इसलिए बाबा का जीवनी भगवान राम के काल का भी दर्शाई जाती है। तथा वैष्णो देवी में भी कुछ काल तक बाबा तप किए हैं, वहाँ जी जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से नर्मदा के मध्यवर्ती जल में अमरकंटक के, नर्मदा के, अमरकंटक जो उद्गम स्थल है नर्मदा का। हाँ, नर्मदा के मध्य में कुछ काल तक तपस्या किए हैं, जो जी कि मगरों के बीच में उनकी जीवनी मिलती है। बीच में बाबा और चारों तरफ हिंसक जीवात्माएं जी रहते थे। इसी तो प्रकार से रांची गुमला जिला में जी जी भी पालकोट नरेश इनके भक्त थे। बाघों को दूध पिलाए, भालुओं खीचड़ खिलाए। जी नेपाल की तराइयों में इनका इतिहास मिलता है। उधर आपका कहना से बंगाल की खाड़ियों में जी भी जीवन अदृश्य रूप में, तथा उत्तराखंड में भी काफ़ी दिनों तक बर्फों में बाबा का जी जीवनी है। बाबा का जीवन बेटा कहना से 1000 वर्ष से ज़्यादा का मापा जाता है। योगी की कोई आयु की सीमा नहीं होती है। जी साथ ही साथ ही भारतीय संस्कृति में महापुरुष जो हमारे हुए, उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं होती थी, जिस विद्या के प्रभाव से, जिस विद्या के बल पर संत हजार का आया है कि ब्रह्मा की एक गति बीतती है, तो लोमश ऋषि का एक रोमा टूटता तो एक ब्रह्मा की अवधि बीतती है। जी, तो हमारे पूर्वज जो महात्मा थे, हमारे पूर्वज लोग सब समर्थवान होते थे। तपबल विप्र सदा बरियारा, तप के बल के प्रभाव से माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवों को बालक बना ली, और सूर्य के गति के रोकने में हमारे पूर्वज लोग समर्थ थे। अतः उसी कटगरी में पूज्य देवराहा बाबा का इतिहास आता है। वशिष्ठ विश्वामित्र सनक सनंदन सनकादिक का जैसे इतिहास सुना गया है, उसी प्रकार से कलयुग में पूज्य देवराहा बाबा के संदर्भ में उनका रहन सहन, उनका जी जीवन विलक्षण था। जी प्रतिभाशाली थे विद्वता के संदर्भ में, और योग के पारंगत थे, कालजयी योगी थे, काल पर भी उनका विजय था। जी शास्त्रों में आया है, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे। अतः जिस विद्या जिस जिसका खेचरत्व तो सिद्ध है, जिस योगी का जी, उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। नास्ति खेचरी, एको सृष्टिमयम बीजम, एको मुद्रा च खेचरी, एको देवो निरालंबा, एको अस्था मनुन्मनी, अर्थात का नाम से खेचरी का बड़ा महत्व शास्त्रों में है। जी हाँ, खाद्यते न च काले न बाध्यते न च कर्मणा, जिस विद्या के प्रभाव से योगी काल और से रहित होता है, जिस विद्या के प्रभाव से निद्रा तंद्रा आदि से परे होता है योगी, सा विद्या कथते खेचरी, वह विद्या खेचरी है। जी जिसके प्रभाव से योगी काना से दीर्घ काल तक जीवन यापन करता है, तथा दीर्घ काल तक काना से क्षुधा पिपासा आदि से रहित रहता है। जी इस प्रकार से देवराहा बाबा का बड़ी महिमा है। देवराहा के आशीर्वाद से कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, जी जिस उद्देश्य से जो आता था, जिस फल से आता था, उसका पूरा होता था। इस प्रकार से बाबा का जी जीवन है। आज भी बाबा इस परिसर में कभी काल ज्योति रूप में, कभी काल इनका मंच प्रकाशित हो जाता है, कभी काल इनकी जमीन अपने आप बजने लगती है। जी जी इस प्रकार से बाबा का बेटा
दिव्य स्वरूप है उनके बारे में जो कहा जमुना सब थोड़ा है जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, बाबा जी ने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया बाबा के बारे में। और आपका क्या नाम है बाबा जी? हमारा नाम है आचार्य श्याम सुंदर जोगी के नाम से। तो इनका श्री आचार्य श्याम सुंदर जोगी के नाम से हैं और आप बाबा यहाँ पे जन्म से हैं? 76 से, मतलब 1976 से बाबा जी लगातार यहीं पर हैं। और बाबा जी आपका बाल भी बहुत बड़ा है, तो ये बाल कब से बढ़ाया आपने? अरे ये बाल तो बच्चापन का है, जब इच्छा लिए तभी से बाल है। तो बाबा जी का ये जो बाल आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक आश्चर्य ही है। और हमारे देवरिया जिला में जो आप आएंगे तो इतना बड़ा बाल शायद ही किसी को देखने को मिलेगा। तो बाबा जी ने एकदम त्याग करके रखा है और बहुत सारे लोग बाल कटा लेते हैं, तो बाबा जी ने यहाँ पे बहुत सारा त्याग किया। और बाल ये है कि अभी इनको देखा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ ही सालों में इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो जाए। तो काफ़ी लंबा बाल है बाबा का। और इसी के साथ बाबा जी से हम लोग धन्यवाद बोलते हैं बाबा जी को और यहाँ से विदा लेते हैं। तो प्रणाम बाबा जी। तो बाबा जी को हमने प्रणाम कर लिया और यहाँ से चलते हैं दोस्तों। प्रसाद लेके जाना जी। तो बाबा जी ने यहाँ पे हमें प्रसाद देने के लिए बोला है, तो हमारा भाग्य है और खुशकिस्मत हम लोग के यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है हम लोगों को। तो देवांश भाई भी हैं और हम हैं, तो प्रसाद यहाँ से लेकर के हम लोग और आगे जाएंगे।